गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल रितु एंड मनी व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे। तो शायद दोबारा बोल दिया तो सॉरी। तो आज का व्लॉग भाई बस ऐसा चाहे रूटीन ही है। तो ये देखिए, ये सारा काम कर लिया मैंने, इस कमरे का तो हो गया। तो भाई पोचा लगा रही थी तो थोड़ा सा बैठ गई तो मनन जा चुका है स्कूल। भाई आज है मंडे, सोमवार का है हमारा व्रत। तो हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी, मनन चला गया स्कूल भाई। और वीडियो अपलोड करके बैठी थी अभी, तो मैंने सोचा चलो भाई व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं, नए व्लॉग की। तो पता क्या होता है, कई बार सारा दिन इतना बिजी रहते हैं ना भाई, बिल्कुल बनाने का मन नहीं करता। फिर और बच्चे आ जाते हैं, फिर ट्यूशन के मनन आ जाता है तो उसको लंच देना, और फिर और भी काम हो जाते हैं ना शाम को। तो मैंने कहा चलो काम ही कर लेती हूँ। और देखो सांस चढ़ रहे हैं क्योंकि पोछा लगा रही थी मैं, थोड़ा बीच में बैठ गई। तो ये कमरा तो हो गया, अभी उस कमरे में अभी रहता है क्योंकि एसी चला के मैं दरवाजे बंद करके बैठी हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा, भी बड़ा बुरा हाल है। किचन की थी साफ, और वो भी थोड़ी सी मेरी रहती है, दूध वगैरह वाला आया था ना, तो थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है भाई, बस वो रह गया थोड़ा सा, वो करती हूँ और आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या नुकसान कर दिया भाई तो पहले तो ये पोछा इधर से अभी लगाती हूँ, तो आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। तो ये देखो अभी तो ये मेरा सारा रूम रहता है भाई इधर वाला। तो चलो बैक कैमरा कर लेती हूँ, एक बार पंखा ऑन कर लो भाई, पंखे के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता थोड़ी सी भी देर। तो देखो भाई नुकसान क्या हो गया मेरे से आज सुबह सुबह ही, ये देखो बेडशीट। वैसे तो ये हो रखी थी लेकिन फिर भी मेरे को अच्छी लगती थी बिछी हुई। तो ये देखो सुबह सुबह मैंने क्या कारनामे कर दिया। तो अब इसको उतारती हूँ और इसको दे दूंगी, और इस पर बिछाती हूँ दूसरी बेडशीट भाई, तो वो वाली भी उतार ही देती हूँ आज। हफ्ता हो गया इसको बिछी को, वैसे तो ठीक लग रही है लेकिन फिर भी वही मिट्टी डस्ट आ जाती है। देखो सारे कपड़े वगैरह उठा देती हूँ। कान्हा जी बैठे हैं अभी हमारे झूले में, और चलो अब जो जो काम है वो कर लेती हूँ फटाफट। ये देखो ये पोचा बीच में गया, बाकी तो हो गया सारा कुम, डस्टिंग वगैरह भी हो गई है। इस रूम की रहती है, इस रूम और उस रूम की, तो फटाफट कर लेती हूँ और फिर आपसे बात करते हैं काम करने के बाद। तो हेलो जी एक बार फिर, तो भाई काम मेरा सारा हो चुका है, अब बैठी हूँ मैं फ्री होके। एक बज चुका है, एक बजे काम हुआ है मेरा भी, तो दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या कर दिया है। एक बार बैक कैमरा कर लेती हूँ। और आज भी मैंने ये वाला सूट डाला है, ये ग्रे और पिंक कलर की शर्ट है और पिंक कलर की बॉटम है। तो आज फास्ट था ना इसलिए ये वाला डाला है मैंने, कॉटन का ही है, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलिए जी दिखाती हूँ क्या क्या हो गया। तो चलिए पहले उस रूम का ही दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए पोचा वगैरह मेरा सारा लग चुका है। तो ये वाली बेडशीट बिछाई है भाई, तो बताना कैसी लग रही है, आपने देखी हुई है लेकिन ये है कि एक बार साफ सुथरा सा लगता है, धोई बेडशीट बिछाते हैं ना। और ये मुंडा मैंने भी ऊपर रख दिया था क्योंकि पोचा लगा रही थी ना इधर, तो इसलिए। और इस रूम में ये बिछाई है भाई, तो कलर ही चेंज है, सेम ही है पैटर्न, बाकी कलर दोनों का चेंज है भाई। ये स्काई ब्लू है, वो थोड़ी लाइट पर्पल है। तो बस ये हो गया काम, और अच्छे से सफाई हो गई है भाई, और मनन आने का हो गया टाइम। तो किचन में अब देखते हैं भाई, मनी की सब्जी तो बनी हुई है, तो आज है फास्ट, लाइट करते हैं ऑन। तो बनाते हैं भाई खीर, आपको पता ही है, तो मंडे का फास्ट है, अब बनाएंगे खीर और फिर शाम को बना दूंगी रोटी। तो फटाफट निकाल लेते हैं भाई दूध और रखते हैं गैस पर। तो भाई दूध निकाल लिया मैंने, ये है दूध, और अब सारे दूध की तो नहीं बनाऊंगी, 2 किलो दूध है भाई, तो इसमें से आधा किलो दूध मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि सख्त हो जाती है खीर बाद में ना, तो डालना पड़ जाता है। ये ले लिया भाई चावल, और चावल को कर लेती हूँ भाई मैं पानी में, अब इसको थोड़ा सा सोख करके रख लेते हैं 15-20 मिनट। इतना मेरा जो दूध है ना वो बॉयल हो जाएगा, मतलब बॉयल तो हो रखा है वो, लेकिन दोबारा गर्म हो जाएगा अच्छे से। तो मलाई मैं नहीं उतारूंगी भाई, तो क्रीमी सी बन जाएगी। इसमें से मैं आधा किलो दूध निकाल लेती हूँ और फिर मैं गैस पे रख देती हूँ। तो ये देखिए आधा किलो दूध मैंने निकाल लिया, और ये वाला रख दिया गैस पे पतीला, तो ये बॉयल आ जाएगा। तो फिर मैं डाल दूंगी इसमें भाई चावल और चीनी इकट्ठी, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है, गर्म खीर नहीं खाई जाती रात को अगर बनाए ना। तो अब बना के रख लेती हूँ, इतना बहुत अच्छा सा हो जाएगा, ना गर्म ना ठंडी, ऐसी हो जाएगी। तो चलो जी इसको आने देते हैं बॉयल, और जब मैं चावल डालूंगी तब दिखाऊंगी आपको। और मनन का कर रही हूँ वेट भाई, मनन आने वाला है। तो चलिए, तो भाई दूध हो चुका है मेरा गरम, ये देखिए
जो मलाई है वो भी हो चुकी है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ भाई चीनी, तो चीनी मैं साथ ही डालूंगी, क्योंकि पता है क्या होता है फिर खीर हो जाती है और जो चीनी की चाशनी मतलब पानी से छोड़ देती है ना, तो उसके वजह से वो हो जाता है। तो मैं चीनी डाल देती हूँ इसमें भाई, और थोड़ी डालूंगी क्योंकि फिर ये शक्कर भी लेते हैं साथ में ना, तो बस बहुत है मेरे ख्याल से, बहुत डाल दी। तो अब इसको मेल्ट होने देते हैं, तो ये साथ साथ ही हो जाएगा जितना वो होएगा ना, तो चीनी को वो होने में टाइम, ये देखो ये चीनी है जो साथ साथ हो जाएगी, और इस मेरे चावल भी होने वाले हैं, बस उनको डाल लेंगे और फिर खीर हो जाएगी मेरी रेडी। और बड़ी टेस्टी बनती है भाई, मतलब इतनी गाढ़ी बनती है ना, पता नहीं कहीं तो पानी डाल देते हैं भाई, पानी भी डाल देते हैं कहीं दूध में ना, फिर खीर बनाते हैं, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये दूध दूध की बनानी चाहिए, और पतली तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। ऐसे तो ना चावल और दूध मिक्स होने चाहिए अच्छे से, कहीं हो गए तो भाई चावल अलग पड़े होते हैं, मैं किसी को वो नहीं करूंगी लेकिन वैसे बता रही हूँ मैंने, फिर गाड़ी अच्छी लगती है जो खीर होती है ना। तो किसी सामान रखती है, और चावल भी मेरे फूल चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा और होने दो, फिर इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। और साथ ही साथ बस भाई बैठी हुई थी थोड़ी सी फ्री इस टाइम, और काम ही बड़ी लेट हुआ है भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बीच बीच में बैठना पड़ता है। बस भाई थोड़ा सा और होने दो दूध को ना, और फिर उसमें चावल डालती हूँ। और आप सब बताइए आप सब कैसे हैं, तो प्लीज़ व्लॉग्स को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई आप सजेस्ट करके बताइए कि किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि भाई डेली रूटीन में ही होता, जो मेरा रूटीन होता वो मैं आपको शेयर कर ही रही हूँ आपके साथ। तो और कुछ बना सकते हैं तो आप बताइए आइडिया कि हाँ भाई ये चीज़ दिखाइए इस चीज़ पे, मतलब आप कमेंट ही नहीं करते हैं तो मेरे को कैसे पता चलेगा, है ना। तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियोज़ पर, जो अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, मतलब कुछ कुछ कमी है ब्लॉग्स में तो वो भी बताइए वीडियो देखकर ना, कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं है इसमें, आप ये इस चीज़ पर वर्क कीजिए, तो तभी पता चलेगा ना कि हाँ मुझे लग रहा है मैं ठीक बना रही हूँ। वो तो जो ऑडियंस है उसको ज़्यादा पता होगा देखने में कि हाँ भाई कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखा कीजिए और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियोज़ में क्या कमी है, कुछ और अच्छा करने की ज़रूरत है, क्या दिखाएं क्या नहीं। तो ठीक है, तो चलिए जी मेरे ख्याल से दूध मेरा हो चुका है, कभी निकल जाए फटाफट चलते हैं। तो चलते हैं अभी किचन में, तो बस हो ही गया मेरा दूध, हो गया बॉइल आ गया। तो मैंने अच्छे से धो लिया था भाई इसको दो तीन बार ना चावल को, तो अब ये पानी निकाल लिया, ये देखो और अब भाई अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। चावल मैंने डाल दिए हैं, और वही कड़छी बहुत गर्म थी, मेरा हाथ जल गया तो ये देखो, तो इसको कर देते हैं बंद, और बंद नहीं सॉरी कम तो इसको कम कर देते हैं, ये अपने आप पकती रहेगी, बीच बीच में आके इसको मैं हिलाती रहूंगी। और बस जी चलिए अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, इतना मनन नहीं आता इतना रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आ जाएंगे ट्यूशन के बच्चे, फिर हो गई शाम, पता ही नहीं चलता टाइम का कैसे निकल जाता है बिल्कुल। और ये देखिए भाई अभी मैंने आलू बुखारे खाए थे, तो ये खाए थे, किसी ने खाने हैं तो प्लीज़ खाइए तो चलिए जी थोड़ी देर बैठ जाते हैं, करते हैं रेस्ट इस कमरे में। और जब मन आता भाई तभी कंटिन्यू करती हूँ। हाँ 2:05 हो चुके हैं भाई, ये देखो तो मनन की छुट्टी हो चुकी होगी, तो ऑटो में आता है वो, तो जब आएगा तब दिखाती हूँ मैं, 2:20 तक आ जाएगा वो। तो चलिए, तो ये देखिए जी खीर मेरी बन चुकी है और बड़ी टेस्टी बनी है भाई, तो छींटे लग गए भाई। तो इन्होंने तो खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया है, क्योंकि व्रत था मनन रह गया, तो बस इस खीर को मैं निकाल देती हूँ और बर्तन वगैरह कर लेते हैं साफ। बर्तन तो कुछ है नहीं भाई, थोड़े ही हैं क्योंकि व्रत था ना, तो खीर और रोटी खाई थी।
तो बस अब इस खीर को निकाल देती हूँ। और मनन गया अभी अपने स्केट्स लेने, तो उसकी कल हॉबी क्लास है, कहता मम्मा स्केट्स जरूर लेके आने, और 8 बज चुके हैं, आप लेके गया अपने पापा को। तो चलिए जी, जब आता है तब मिलवाती हूँ। तो भाई, और मनन गया अभी स्केट्स लेने, आते ही खेलने के बाद अपने पापा को बोला पापा स्केट्स लेने चलो, कल मेरी हॉबी क्लास है। तो गए हैं स्केट्स लेने भाई, खाना वगैरह तो हमने खा लिया था, और अब मैंने भाई कपड़े कर लिए हैं चेंज क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ये वाला नाइट सूट डाल लिया, बहुत बुरा हाल है भाई। तो अभी बैठे ही थे, हमने खाना ही खा के हटे हैं, तो चलो स्केट्स लेके आते हैं मनन, तो दिखाते हैं क्या लेके आएगा क्या नहीं, अपनी पसंद के। बच्चों के लिए फरमाइशें बहुत हैं भाई आजकल, तो चलो देखते हैं क्या लेके आता है वो, क्या नहीं पसंद आता उसको नहीं आता। तो चलिए जी, जब आता है तब दिखाती हूँ। इतना मैं अपने सारा किचन का काम वगैरह कर लेती हूँ, और खीर को अलग से निकाल लेती हूँ जो बची हुई है, और बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई वो तो अब तक नहीं आए हैं लेके, मेरे ख्याल से लेट ही हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको सोच रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँ क्या लेके आए हैं, क्योंकि अब तक नहीं आया, लेट हो रहे हैं वो। तो मैंने सोचा वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, भाई थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। जिसने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर पिछला व्लॉग देखे ज़रूर, और इस व्लॉग को भी पूरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। तो चलिए जी, तब तक के लिए बाय बाय।